द किंग मूवी का ऑडियंस आ गया है। द किंग मूवी में हमें दिखाया गया है एक अपहरणकर्ता लड़की को बचाने जाता है, वहीं पर बचाने वाले और क्रू मेंबर समझ लेते हैं सीबीआई का, लेकिन वो एक राजनीतिक मुद्दे का एक आदमी था। इस मूवी में द किंग में हमें दिखाया गया है कि द किंग मूवी जो है एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगी, लेकिन मूवी अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस ना करे तो ऐसे हमें सीन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे सीन के लिए कोई मूवी प्रचलित तो होती है, लेकिन भाई वो जो अपने झंडे गाड़ती है तो वो बहुत ही कम गाड़ पाती है। ये चीजें लोगों के दिल में कॉमेडी बनकर रह जाती है, लोग बाहर आके जिनको नहीं थूकना होता वो भी बैनर पर थूक के जाते हैं, ये चीज तो बहुत ही अलग हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें शाहरुख खान की मूवी को, एक लड़की गुम हो जाती है और उसको पूरी तरह से क्रू मेंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब नहीं ढूंढ पाते तो ये काम मिलता है द किंग अर्थात शाहरुख खान को ये काम मिलता है। शाहरुख खान मना करते हैं, लेकिन मना करने के बाद भी शाहरुख खान के ऊपर ये काम थोप दिया जाता है पूरी तरह से, और शाहरुख खान इस मूवी को फिर यानी कि आगे ले जाने के लिए, उस लड़की को बचाने के लिए हर वो कोशिश करते जो उन्हें करना चाहिए था। वो कोशिश करते करते उस लड़की को खोज निकालते, खोज निकालने के बाद पूरे क्रू मेंबर जो होते हैं किडनैपर्स वो शाहरुख खान के पीछे पड़ जाते, अर्थात शाहरुख खान की फैमिली के पीछे पड़ जाते। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, शाहरुख खान जो इनकी सीन थोड़ी सी रहेगी वो इसे जंगल से रहती है, जंगल से दिखाया जाता है। देखो इसकी मेन स्टोरी तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन इसके जो मिनटे निकल के आ रहे हैं, टाइटेंस निकल के आ रहे हैं, इसके जो क्लिप्स है उनके हिसाब से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मूवी कहां से क्या पटकी जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अलग होता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं शाहरुख खान की इस मूवी के बारे में, हमें छोटे से कमेंट अपनी बड़ी से राय जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।